रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। हैदराबाद एनकाउंटर की सबसे पहले बात करेंगे, जिसकी जांच का मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। आज तेलंगाना कोर्ट में मामला चल रहा है, दोपहर 2:30 बजे सुनवाई की जाएगी। उधर वारदात के दिन का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आज तक के हाथ लगा है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी और उनका ट्रक दिख रहा है। रात करीब 10:45 बजे ट्रक टोल से गुजरता हुआ दिख रहा है। अनिशा माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनिशा, वाकई एक बहुत बड़ा क्लू और इससे काफी कुछ पता चल सकता है। देखिए श्वेता, अभी क्या पता चल सकता है और क्या पुलिस कर रही है ये हमें रुक के देखना होगा। अभी स्पेकुलेट करने से या कुछ भी कहने से अभी इतनी जल्दी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, खासतौर से तब जब तेलंगाना हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इस मामले में इस मामले की तहकीकात करने के लिए मान चुकी है। तेलंगाना हाईकोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है कि आखिर उस दिन हुआ क्या, किस तरह से वारदात हुई, किस तरह से एनकाउंटर हुआ। और अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन आ चुकी है ये कहने के लिए कि जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो रहा था, तहकीकात मैटर की चल रही थी, तो इनकाउंटर किस तरह से हुआ है। और ये सारे ही मामले बहुत काफी अनिशा बने रही हमारे साथ। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बार बार ये कहा जा रहा था कि किस तरह से उस दिन सिलसिलेवार तरीके से चीजें हुई ये कह पाना काफी मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज से जाहिर तौर पर टाइमिंग, कब किस वक्त वो ट्रक वहां से गुजरा, ये तमाम चीजें अब साफ हो रही हैं। जी बिल्कुल, आज तक के पास जो मौका है वारदात, जहां पर दिशा के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या की पूरी वारदात हुई थी, जैसे ये वारदात शुरू हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज है, जो क्राइम सीन का सीसीटीवी फुटेज है, जो ट्रक है जिसमें तमाम आरोपी हैं वो मौजूद है, वो ट्रक वहां पर खड़ी है, उसके ठीक पीछे जो दिशा है उसकी स्कूटी खड़ी हुई थी। तो ये एक अहम लीड पुलिस को मिली है। और जिस तरीके से इस वक्त मैं हाईकोर्ट में मौजूद हूँ, 2:30 बजे वो सुनवाई होनी है इस पूरे मामले की। पहले एक पिटीशन फाइल की गई थी, आज एक और पिटीशन फाइल की गई है, यानी दो पिटीशन फाइल की गई है। लौटेंगे, नजर बनाए रखिए, क्योंकि बेहद अहम सीसीटीवी फुटेज अब श्वेता सामने आया, ऐसे काफी सारी चीजें स्पष्ट हो रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।